मेहंदी ना, मेहंदी, उसके बाद वो अपना और डेकोरेशन लगभग हो गया है या आर्ट डीजे सेटअप भी लग रहा है इसको। फर्स्ट ऐसा जो सजावट, ऐसा जो खर्चा और ये जो डीजे फीजे लग रहा है, फर्स्ट लग रहा है। अभी नाश्ता लगा रहे फिलहाल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज ही है 9, आज है तिलक सेरेमनी। तो आज पूरा डेकोरेशन हो गया, देखो पूरा पीछे सब दिख रहा है लाइटिंग में। ये मंडप 3 माले का मंडप है, 3 फ्लोर का मंडप। और लाइटिंग तो रात को लग गया, तब झकास दिख गया। और मेरे को थोड़ा सर्दी हो गया, मेरा मतलब जो एलर्जी वो चालू हो गया है, इसके लिए थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। और फिलहाल मैं, मेरे अंकल लोग, सब लोग जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग के लिए। क्यों? क्योंकि आज ही 9 तारीख है और आज ही सब खाने पीने का सामान लाना है, वेज रहेगा, नॉन वेज रहेगा, सब कुछ रहेगा। और जो आएंगे इधर से तिलक मतलब चढ़ाने के लड़की लोग की तरफ से, वो लेके के लिए नाश्ता पानी सब कुछ लेना पड़ेगा, सब ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो जा रहे अभी बाज़ार। बाजार तो आ गए और अभी आए हैं सब्जी का थोड़ा मार्केटिंग करने के लिए। और जहाँ हम लोग आए हैं ना, बहुत बहुत बड़ा मार्केट है सब्जी का, बहुत बड़ा। मतलब यहाँ पे ना ऑल ओवर इंडिया से मतलब सब्जी आता है, ऑल ओवर इंडिया, मतलब कश्मीर टू कन्याकुमारी समझ लो। और देखो ये पीछे इधर इस गाड़ी में भी कुछ ना कुछ होगा, पीछे पूरा गाड़ी भरा हुआ है। देखो 3-4 ट्रक इधर, 3-4 ट्रक, फिर उधर आगे भी बहुत सारा ट्रक है। मतलब अभी माल उतर रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, सब माल उतार रहे। देखो पीछे बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है। तो हम लोगों को ज़्यादा बल्क में सब्जी लेना था, तो सोचे बड़े मार्केट में आए थे, यहाँ थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा और काम जल्दी हो जाएगा, मतलब फटाफट मिल जाएगा, 50 जगह घूमना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह मिल जाएगा। इसके लिए हम लोग इधर मार्केट में आए। तो देखो गाइस कितना बड़ा मार्केट है, यहाँ से भी पूरा भीड़ दिखेगा नहीं आपको अच्छे से, पूरा वहाँ तक लास्ट तक मार्केट है। और ये तो पूरा जाम लग गया है, खाली सब सब्जी लेना है और कुछ नहीं। देखो देखो बाइक को बना दिया ये टेम्पो, बाइक को टेम्पो बना दिया, बिहार है ये बिहार। सो गाइस 7 से 10 बज गया, मतलब 3-4 घंटा हो गया, थोड़ा बहुत शॉपिंग हो गया है। 7 बजे आए थे, चलो शॉपिंग हो गया है। और पीछे अभी प्याज जा रहे हैं, देखो यार है ना, थोड़ा बहुत सामान और रह गया है लेके, फिर डायरेक्ट जाएंगे, फिर तैयार होना है। खाना पीना कुछ नहीं खाया हूँ। और बाकी लोग, अंकल लोग और मेरे चाचा लोग गए शॉपिंग करने के लिए, मैं थोड़ी देर बैठ के आराम कर रहा हूँ। सो गाइस प्याज भी आ गया, देखो नीचे प्याज है। और थोड़ा बहुत मैं फ्रूट खा लेता हूँ उसमें से लेके, केला है, मैं केला खा लेता हूँ, आम खा लेता हूँ। और अभी थोड़ा बहुत और सामान है लेते, अब डायरेक्ट घर पे चलते। पहले सब्जी मंडी है, इतना गाड़ी खड़ा है ना, सब्जी मंडी है इतना बड़ा। और ये जो सब्जी बेचते हो लोग का घर, पूरा सब्जी मंडी है सामने, देखो इधर भी। जय गौ माता। खाली आलू देखो, ये देखो सब्जी मंडी, पूरा कीचड़ हो गया इधर, पूरा कीचड़ हो गया। देखो मेन गेट है सामने ना, सब्जी मंडी का मेन गेट है। सो गाइस फाइनली हम लोग अभी घर पे आ गए, सुबह के निकले 7 बजे के, 3 बजे घर पे आए सामान ईमान लेके सब कुछ। और फ़ोन का मेरा बैटरी कम हुआ था, इसके लिए मैं व्लॉग नहीं कर पाया। और अभी नहा लिए हम लोग सब लोग, बस थोड़ी देर में आने वाले लड़की वाले ना, यस लड़की वाले आने वाले, तो सब लोग तैयार होने वाले। मैं नहा लिया हूँ, सतीश अंकल नहा लिए, मोहित
नहीं नहाया, इसको नहाना बाकी है। बाकी हम दोनों नहा लिए और दूल्हे साहब से जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं अभी तक दूल्हे साहब व्लॉग में नहीं आया था, अभी दूल्हे साहब को थोड़ा व्लॉग में लेंगे। इधर नीचे है ना, थोड़ा बिजी चल रहे हैं क्योंकि वही सब संभाल रहे हैं कारोबार, तो उनसे अभी थोड़ी देर में मिलाते आपको। सो गाइस फाइनली अभी लड़की वाले निकल चुके अपने घर से, लगभग मुझे लग रहा है कि आधा एक घंटे में पहुँच जाएंगे और अभी तक कोई रेडी नहीं हुआ, मतलब मैं खास कर रेडी नहीं हुआ, अभी नहा के आऊँ तो चलते हैं पहले। और मोहित भी नहीं नहाया, मोहित साथ में लाइट दिखा रहा है, जो मुंह पे लाइट आ रहा है ना मोहित दिखा रहा है। तो अभी मैं तो सोचा बहुत कन्फ्यूज था क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ। दो तीन जोड़ी कपड़ा आज के लिए लाया था, दो तीन जोड़ी लाया था बारात के लिए, पर आज के लिए मैंने ये कपड़ा। सो गाइस कैसा लग रहा है मेरा लुक कमेंट करके बताना। वैसे मैंने ये जैकेट एक बार पहना है, फिर से आज पहन लिया, ये अच्छा लग रहा था, नहीं तो मैं हुडी डालने वाला था, बट सब लोग ने कहा कि ये अच्छा लग रहा है। मोहित देखो कैसा दिख रहा है, राज हाय बोल दो, सब ने बोला कि ये अच्छा लग रहा है डेनिम, तो डेनिम डाल लिया मैंने। अब चलते हैं बाहर, बहुत काम है और थोड़ी देर में आने वाले हैं लड़की वाले, चलो बाहर चलते हैं। सो गाइस आपके साथ कभी शादी में ऐसा हुआ है क्या? देखो नाड़ा, जो नाड़ा होता है ये तो पूरा अंदर घुस गया, और ये कपड़ा मेरा नहीं है, मोहित का है, बाहर चले गए जो मोहित का है और मेरे को निकालने के बुला, और मैं देखो कैंची से पकड़ पकड़ के निकाल रहा हूँ, तो आधा चला गया था आधा था आ गया, देखो पकड़ में आया तो जो सक्सेसफुली आ जाए कैमरा के सामने, छोड़ गया थोड़ा सा आया, इधर आ गया, एक इंच और रह गया, एक मतलब तीन चार इंच रह गया। देखो फाइनली बाहर, देखो डीजे सेटअप लग गया है और यहाँ का गांव का सेटअप देखो, स्टेज बना है नाचने के लिए मतलब कूद कूद के, और देखो थोड़ा अलग ही अतरंगी सेटअप है। अच्छा लगा, तो अच्छा लगा, मतलब अपने मुंबई से नहीं है बट अच्छा है, गांव के लिए सही है। शादी बहुत धूमधाम से हो रहा है यहाँ, यहाँ का फर्स्ट ऐसा जो सजावट, ऐसा जो खर्चा और ये जो डीजे फीजे लग रहा है फर्स्ट लग रहा है गांव में ना। हाँ डेकोरेशन सबसे बड़ा लग रहा है, मजा आ जाएगा इसमें नाच के देखो। और ये देखो सेटअप, ये दो टावर ये बेस, उधर दो टावर ये बेस, बेस दो ही है, और ये मिक्सर लाइट सेटअप देख लो। इधर खाना बन रहा है, बन ही रहा है रेडी, उधर सलाद कट रहा है। कितने बजे तक बन जाएगा? सो गाइस अभी काफ़ी देर से हम लोग दूल्हे साहब को खोजने की कोशिश कर रहे, नहीं मिल रहे थे अभी, लेकिन खबर मिला है कि दूल्हे साहब अभी अंदर है, शायद नहा हुआ रहे तैयार हो रहे, तो चलते हैं उनसे आपको मिलाते हैं। सो गाइस फाइनली बहुत देर के बाद मिल गए हैं दूल्हे साहब, दूल्हे साहब बहुत बिजी थे आज सुबह से काम धाम में, अभी जा रहे हैं मेहंदी, मेहंदी ना मेहंदी, उसके बाद वो अपना तिलक का काम ही होगा। निकल चुके हैं हमारे कुछ गलत दोस्त लोग, मतलब हाँ दोस्त लोग आने वाले थे मुंबई से, मतलब कुंदन अंकल के दोस्त लोग, हम लोग के भी चाचा दो लोग आ रहे थे और लोग भटक गए गांव में, तो हम लोग जा रहे हैं अभी उन लोग को करने सी ऑफ करने के लिए, लोकेशन है लेकिन देखते हैं वो लोग कहाँ भटक गए, बहुत दूर आ गए कहीं निकल गए वो लोग, तो हम लोग का लोकेशन से ट्रैक कर रहे हैं कहाँ पहुँचे वो लोग। ये देखो कुछ देर पे है, दूर पे है वो लोग, शायद सामने ही वो, देखो वही लोग है, शायद वही लोग हैं, हाँ हाँ एकदम मैच हो गया वही लोग। तो गाइस दो दो गाड़ी आई है, दो फोर व्हीलर, एक इनोवा एक अर्टिगा, सब लोग आ गए देखो पीछे आ रहे हैं, और लाइट भी पूरा लग गया है, एकदम झकास लग रहा है, देखो सामने से और कड़क लग रहा है। अभी नाश्ता लगा रहे फिलहाल, गुलाब जामुन पकौड़ी पनीर पकौड़ा चमचम रसगुल्ला और पाँच छः मिठाई है और दो पनीर पकौड़ा और पकौड़ी। अभी काम कर रहा हूँ मैं, इसके लिए ब्लॉग नहीं कर पाया। सो गाइस लास्ट शॉट के बाद जो नाश्ता मैं पैक कर रहा था उसके बाद सबको नाश्ता से खिलाया, और अभी मतलब सबको नाश्ता ठंडा पानी जो भी पिलाते खिलाते सब खिलाए पिलाए हम लोग, उसके बाद अभी थोड़ा इधर आके शांति में थोड़ा बैठा हूँ, अभी सब लोग रिलैक्स हो रहे चिल हो रहे, मैं भी थोड़ा आके रिलैक्स किया, इधर दलान टाइप का इसमें आकर थोड़ा सोया मैं,
पाँच दस मिनट चढ़ने जा रहा है तिलक चढ़ने। तो फाइनली कुंदन अंकल अभी जाएंगे, ड्रेस व्रेस पहनेंगे। तिलक में क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब मिठाई उठाई चढ़ाते हैं, और जो थोड़ा नेक विक देना रहता है, जो पैसा देना रहता है नेक विक, वो देते हैं और तिलक चढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं लड़की वाले। बस इतना ही सा काम रहता है। फाइनली तिलक चालू हो गया है। इधर दूल्हे साहब हैं और इधर सब लोग बैठे हैं गीत गाने के लिए आंगन में। ये है गाइस तिलक, देखो तो फ्रूट स्वीट्स ये सब चढ़ता है और कपड़ा इपड़ा, इसको बोलते हैं तिलक। यू नो व्हाट टाइम इट इज, डिस्को टाइम।